अ वेरी स्पेशल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ मान में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल क्रिएट किया है और मैं इस चैनल पर भी आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाऊंगा, जैसे मैं अपने पहले चैनल स्टडी विथ अभिमान में करवाता हूँ। तो आज से मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में मैंने उन्हीं क्वेश्चन को ऐड किया हुआ है जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद मान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए फिर आज की इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट करते हैं और ये हमारा इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट वन है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा डेली मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर की सीरीज आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊं और डेली मैं आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सॉल्व करवाऊं। तो चलिए देखते हैं हमारा यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका ट्राइगोनोमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो चलिए यहां पे क्वेश्चन देखते हैं यहां पे लिखा क्या हुआ। तो यहां पे लिखा है 10π/4 + θ टेन 3π/4 + θ का मान होगा और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2014 में एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है, जो कि आपकी होती है 180, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिखा है 10π/4 + θ और 10 3π/4 + θ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 10 तो ऐसे ही लिखूंगा, 10 ऐसे लिख दिया और पाई की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई 180 होती है, तो पाई की जगह मैं 180 लिख सकता हूँ, ठीक है। 180 यहाँ पे लिखा, फिर बाई 4 और प्लस यहाँ पे थीटा कर दूंगा, ठीक है। पहले इतने को हम सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद अगले वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 × 1 = 4 आपका हो जाएगा, 4 × 4 = 16 होता है, 2 उधर जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 10 45 + θ आ गया इतने को सॉल्व करने पर, जो कि मैंने क्या लिखा 10 45 + θ, नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पर, यहाँ पे 10 3π/4 + θ आपका लिखा हुआ है। तो 10 तो ऐसे ही लिखूंगा, 3 को भी ऐसे लिखूंगा, पाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 180, ठीक है। 180 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और बाई 4 और आपका प्लस थीटा में भी तो है, ये थीटा मैंने लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 4 × 1 = 4 आपका हो जाएगा, ठीक है। 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 हो जाएगा और 2 उधर जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या बचा, 10 बचा, 3 बचा इंटू 45 और प्लस आपका यहाँ पे थीटा बचा हुआ है। तो 10 3 की मल्टीप्लाई 45 में करेंगे, 3 × 45 आपका कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा और प्लस थीटा हो जाएगा और 10 आपका ऐसे ही रहेगा। यानी 10 135 + θ मिला इतने को सॉल्व करने पर, ये वाले को पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे 10 135 + θ मिला। तो इतनी चीज़ें पहले आपको करनी है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पाई की वैल्यू आपको पता होगी या आपने पढ़ा होगा। तो इतनी चीज़ें करने के बाद चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका 10 45 + θ यानी 10a + b के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो 10a + b का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 10a + 10b अपॉन में 1 − 10a 10b होता है। तो यहाँ पे ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए आपका 45, बी आपका यहाँ पे थीटा हो जाएगा। तो इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे 10a + b के फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला आपका होता है 10a यानी 10 45 + 10b यानी 10 θ फिर अपॉन में 1 − 10a मतलब 10 45 इंटू 10b यानी 10 θ, ये आपका हो गया, ठीक। इसी तरह हम यहाँ पे जो आपका 10 135 + θ लिखा हुआ, ये भी तो आपका 10a + b के फॉर्म में लिखा है, सेम वही फॉर्मूला 10a + 10b 1 − 10a 10b लग जाएगा। यानी 10a यहाँ पे a आपका 135, b आपका थीटा, तो 10a यानी 10 135 + 10b यानी 10 θ फिर अपॉन में 1 − 10a 135 आपका 10 135 और 10b इंटू 10b यानी 10 θ आपका हो जाएगा। ये इतना कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते 10 45 की वैल्यू आपकी 1 हो होती है, ये आप सबने याद कर लिया होगा, ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, फिर 10 θ यानी 1 + 10 θ आपका ऊपर वाला हो गया। अब नीचे आइए, 1 -
टेन पैंतालीस की वैल्यू आपकी क्या होती है, वन होती है, तो इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं, टेन पैंतालीस हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद टेन थीटा बचा, तो वन और वन की मल्टीप्लाई, अब जैसा कि आप देख सकते हैं वन से हमारा यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये वन आपका यहाँ पे माइनस में है और ये टेन पैंतालीस इंटू टेन थीटा ये आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो टेन पैंतालीस की वैल्यू आपकी वन आ गई और टेन थीटा तो आपका ऐसे ही रहेगा, तो वन का मल्टीप्लाई हम टेन थीटा में करेंगे तो टेन थीटा ही आएगा, वन से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे वन माइनस टेन थीटा हमारा बचा, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका मल्टीप्लाई में, ऊपर से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कोई साइन नहीं लगा, ये आपका मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे टेन वन थर्टी फाइव, तो टेन वन थर्टी फाइव की वैल्यू आपकी क्या होती है, माइनस वन होती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको निकालना मैंने सिखाया है। कैसे निकाला जाता है एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, टेन एक सौ पैंतीस यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, टेन एक सौ पैंतीस, तो इसको हम तोड़ लेंगे, किस में तोड़ेंगे, मैं लिखूंगा टेन, ठीक है, यहाँ पे आपके क्या लिखा है टेन, और इसको नब्बे, ठीक है, नब्बे में कितना जोड़े कि हमें 135 मिल जाए, तो नब्बे में अगर हम 45 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा, तो 1090 प्लस 45, ये फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है, 10 नब्बे प्लस थीटा बन रहा है, किस क्वाड्रेट में जाएगा, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा किस क्वाड्रेट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेट में जाएगा, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेट में आपका टेन क्या होता है, निगेटिव होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्या होता है, टेन आपका निगेटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हम 90 को सॉल्व कर रहे हैं, तो टेन आपका सबसे पहले किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 45 तो आएगा, टेन नाइन्टी प्लस थीटा आपका क्या होता है, तो टेन नाइन्टी प्लस थीटा आपका होता है माइनस कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो माइनस तो लगेगा लगेगा, कॉट होगा, और थीटा की वैल्यू आपकी 45 यहाँ पे दी गई है, तो माइनस कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस, लेकिन माइनस वन हो जाएगा, तो क्या निकली टेन 135 की वैल्यू, माइनस वन निकली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टेन थीटा प्लस टेन थीटा आपका ऐसे ही रहेगा, वन माइनस टेन 135 की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो यहाँ पे वन लिखा माइनस लगाया, टेन 135 की वैल्यू आपकी माइनस वन होती है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका मल्टीप्लाई में है, ये आप ध्यान रखिएगा, जो आपका ये टेन 135 है ये, और टेन थीटा ये आपका दिया गया, टेन 135 की वैल्यू माइनस वन और इंटू यहाँ पे आपका टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो वन और उसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पे माइनस टेन थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस टेन थीटा ये आपका आ जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस तो आपका है ही, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर आपके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी वन प्लस आपका टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये स्टेप आप यहाँ पे समझ गए होंगे कैसे हमने यहाँ पे किया, एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, वन आपका ऐसे ही है, ठीक है, वन से हमारा कोई यहाँ पे मतलब नहीं। अब इतने को देखिए, टेन 135 इंटू टेन थीटा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है, टेन 135 का मान यहाँ पे माइनस एक और इंटू आपका टेन थीटा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे वन माइनस तो आपका ऐसे ही रहेगा और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे वन इंटू टेन थीटा, तो यहाँ पे वन माइनस में और यहाँ पे माइनस आपका टेन थीटा ये आपका है ही, और ये माइनस ये माइनस मिलकर आपके प्लस हो जाएंगे, वन प्लस टेन थीटा ये नीचे आपका हो जाएगा। अब यहाँ से वन प्लस टेन थीटा, वन प्लस टेन थीटा आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या आपका, यहाँ पे वन माइनस माइनस वन प्लस टेन थीटा और नीचे अपॉन वन माइनस टेन थीटा ये आपका बचा हुआ है। तो इस स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, जो ये आपका माइनस है इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इस माइनस को मैंने यहाँ पे बाहर लिखा है, इसको कॉमन ले लिया, जब इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे वन तो आपका ऐसे रहेगा और जो प्लस है और ये प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा, टेन थीटा ऐसे ही रहेगा और अपॉन में आपका यहाँ पे वन प्लस टेन थीटा था, ये जैसा कि आप देख सकते यहाँ पे, ये तो ये दोनों तो आपका कैंसिल ही हो चुका है और बचा क्या हमारा, वन माइनस टेन थीटा ये आपका बचा, तो इसको नीचे एज इट इज यहां पे लिख दूंगा और यहां पे हमने माइनस कॉमन लिया, ये आप ध्यान रखिएगा, तो वन माइनस टेन थीटा, वन माइनस टेन थीटा ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या सिर्फ आपका माइनस वन यहां पे, ठीक है, क्या बचा, माइनस वन, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माइनस वन ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, माइनस वन आपका कहां पे दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी स्टेप हमें इसमें सॉल्व करने हैं, तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको पाई की वैल्यू पता होना चाहिए, ये पता है, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व किया और यहाँ पे हमें मिला माइनस वन, जो कि आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपका क्वेश्चन है वर्गमूल एवं घनमूल से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि सेवन प्लस
थ्री अंडर रूट फाइव और सेवन माइनस थ्री अंडर रूट फाइव का वर्गमूल है, तो हमें यहाँ पे इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज़ नोट किया और जैसा कि आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, ऊपर ये आपका लिखा हुआ है ए प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है, ए प्लस बी, और यहाँ पे लिखा है ए माइनस बी, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका होता है। तब हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए आपका यहाँ पे जो आपका सेवन है ये आपका ए है और ये दोनों जो आपके हैं ये बी की वैल्यू है, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सबसे पहले इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी सेवन का स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस थ्री अंडर रूट फाइव, यहाँ पे माइनस थ्री अंडर रूट फाइव, जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मूले आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, तो वैसे भी आप प्लस माइनस हमारा माइनस ही होता, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तो इन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यानी थ्री अंडर रूट फाइव का यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे सेवन का स्क्वायर आपका क्या आता है, फोर्टी नाइन आपका आता है, और यहाँ पे थ्री अंडर रूट फाइव का स्क्वायर लिखा है, तो इस स्टेप को समझिए बस, तो यहाँ पे थ्री, तो थ्री इंटू थ्री ये तो आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर होकर आपका कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट फाइव का जब स्क्वायर करेंगे, यानी अंडर रूट फाइव इंटू अंडर रूट फाइव करेंगे, तो आपका यहाँ पे फाइव ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट जो आपका यहाँ पे है ये आपका स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल फाइव, ठीक है, तो नाइन इंटू फाइव आपका हो गया। फिर उसके बाद देखिए 49 आपका ऐसे रहेगा, 9 के मल्टीप्लाई 5 में 45 आपका हो जाएगा, और 49 में से 45 को लेस कीजिए कितना आएगा, 4 आएगा, 4 यहाँ पे आया। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 4 का, तो यहाँ पे अंडर रूट लगाया और ये किसका होता है, 2 का हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑप्शन में चेक कीजिए 2 आपका कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका दिया गया ऑप्शन डी में, क्वेश्चन ईजी था, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है, ये आपका फॉर्मूले के टर्म में ये आपका लिखा हुआ था। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ये आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यहां पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि k के किस मान के लिए m माइनस टू व्यंजक m स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस k का एक k का गुणनखंड है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि k के किस मान के लिए m माइनस टू व्यंजक m स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस k का गुणनखंड है, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ था ऊपर, क्योंकि m माइनस टू व्यंजक m स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस के का एक गुणनखंड है, अतः व्यंजक में m बराबर 2 रखने पर व्यंजक क्या होगा, संतुष्ट होगा, ठीक है, तो यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ, यहां पे लिखा हुआ है m माइनस 2, ठीक है, m माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, याद ध्यान, इसको हम लिख सकते हैं m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, ये आपका माइनस 2 यहां पे, इसको हम इधर ले आएंगे तो 2 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2 हमें मिला, और जहां जहां व्यंजक में आपका यहां पे m लिखा हुआ है, m की जगह हम इसी 2 को पुट कर देंगे, आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पे, तो व्यंजक आपका लिखा m स्क्वायर माइनस 5m प्लस k, ठीक है, m बराबर 2 कैसे आया है, बेबी मैं आपको समझा देता हूं, यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं आपका m माइनस 2 लिखा हुआ था, तो m माइनस 2 इज इक्वल टू बराबर 0 लिख दिया, और m इज इक्वल टू यहां पे 2 हो जाएगा, और इसी 2 को हम पुट कर देंगे इसी व्यंजक में, ठीक है, तो m स्क्वायर, तो m बराबर हम यहां पे 2 रख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये, ठीक है, 2 रखा, तो m, m की जगह 2 और 2 का स्क्वायर, माइनस फाइव एम की जगह 2 लिखूंगा, प्लस k आपका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस फाइव टू जा 10 आपका हो गया, प्लस k हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे इसको सॉल्व किया k, यहाँ पे 10 माइनस 4 कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, और k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 6 मिल गई, तो कितना ईजी क्वेश्चन आपका था, और ये क्वेश्चन आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में पूछा जा चुका है, और इस टाइप के कई क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ये आप ध्यान रखिए, तो कितना इजी क्वेश्चन आपका था, बस आपको पता होना चाहिए कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपने क्लास 9th में इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा यहां पे, जैसा कि आप देख सकते हैं k की वैल्यू आपको मिली 6, तो ऑप्शन में चेक कीजिए k की वैल्यू 6 यहां पे आपको कहां दी गई है, ये दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां पे क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 ये मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया, क्योंकि इसलिए दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो यहां पे लिखा है अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 48 अपॉन में अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12 का मान क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यह तोड़ना आना चाहिए कि अंडर रूट 32 अंडर रूट 48 अंडर रूट 8 यहां पे जो लिखा है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं।
तो 32 जैसा कि आप देख सकते हैं अंडर रूट 32, तो अंडर रूट 32 को मैंने क्या लिखा, 4√2 लिखा। कैसे लिखा ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले 32 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 8 जा 60 आ जाएगा, फिर 2 4 जा 8 आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको पेयर कितने का बनना चाहिए, एक ही संख्या का पेयर बनना चाहिए आपका, जैसे 2 है तो यहाँ पे 2 का हमारा 2 2 का पेयर बनना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं। तो पेयर बनाते हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये, दो पेयर तो हमारा बन गया लेकिन एक दो तो यहाँ पे अकेला रह गया, ठीक है। तो जो पेयर बन रहा है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे सीधे सीधे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और जो पेयर नहीं बन रहा है उसको लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, यानी 4√2 ऐसे हमारा आया। तो यहाँ पे क्या लिखा, 4√2 लिखा 32 को। अब 48 वाले पे ध्यान दीजिए, 48 वाले को भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे 24 आपका आ जाएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 3 आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 1 3 हो जाएगा। पेयर बनाएंगे 2 का, 2 2 का पेयर क्यों बना रहे हैं, स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे हैं। अगर घन करते यानी क्यूब रूट करते तो 3 का पेयर बनाते, 3 का पेयर मतलब ये समझिएगा संख्याओं का पेयर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 ही का बनेगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 हमारा एक और होता तो यहाँ 3 का भी पेयर बनता, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं तो 2 2 का पेयर, तो ये एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई कराएंगे 4, और अकेला जो बचा उसको लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, यानी 4√3, जैसा कि आप देख सकते हैं 48 को मैंने लिख दिया अंडर रूट 48 को, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका 8 आता है, चलिए 8 को सॉल्व करते हैं, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, एक पेयर ये बना और एक अकेला रह गया, तो 2√2 इसको लिख सकते हैं, 8 को लिख दिया। फिर अब आइए 12 वाले पे, तो 12 को सॉल्व करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ये 2 का पेयर बन गया 2, और अंडर रूट 3 आपका अकेले, यहाँ पे 3 बच गया, इसको अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, तो क्या लिखा, 2√3 लिख दिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे जैसा कि आप देख सकते हैं 4 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे √2 + 3 बचेगा, लिख दिया यहाँ पे। फिर नीचे देखिए आपका यहाँ पे 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 को कॉमन लिया, √2 + √3 ये लिख दिया। इन दोनों को करेंगे सीधे सीधे कैंसिल, 2 + √2 + 3 √2 + 3 कैंसिल, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वैल्यू क्या मिली, 2 मिल गई। तो कितना इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन में चेक कीजिए 2 आपका कहाँ पे दिया गया, तो ये आपका दिया गया ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कैसे इसको हम चेंज करते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में टोटल मैंने आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चंस बताए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये आपकी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आज की वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो इन 4 क्वेश्चनों में, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विथ मान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।